हाँ, मैं इसका फर्स्ट एपिसोड देखकर कह सकता हूँ ये तुम लोग को पसंद भी आने वाला है और ये तुमसे कनेक्टेड भी है। तो इसके कारण एपिसोड के एंड में मुझे बता देना तुम लोग को देखकर कैसा लगा। तो इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जा रहा है इस सीरीज का मेन कैरेक्टर यानी अकाने को। हाँ, पहले बता देता हूँ अकाने बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इसके कारण एपिसोड के बीच में मैं इसके प्यार में बह भी सकता हूँ। तो इसके कारण तुम लोग मुझे माफ कर देना। अकाने टेम्पल में होते हैं, साथ ही वो प्रे कर रही होती है और इसीलिए मुझे माफ कर देना। वाले इसके बाद अकाने टेम्पल में आके प्रे कर रही होती है। इसी बीच इधर एक और लड़की आ जाते हैं जो कि अकाने की फ्रेंड ही होती है। वाले इसके बाद वो अकाने के पास ऐसे ही आ रही होती है लेकिन इसी बीच वो गिर जाती है और ऐसे ही वो गिरने वाली होती है लेकिन हेल्प के लिए वो अकाने को पकड़ लेती है। और इसके कारण अकाने पहले तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वो देखती है ये कौन है और उसके बाद उसे पता चल जाता है ये उसकी फ्रेंड है। वाले इसके बाद अकाने को देखकर कहती है मुझे पता है तुम किस लिए प्रे कर रही हो, यानी हमारे स्कूल में जो गेम होने वाला है और उसके फ्यूचर पार्टनर के लिए ही तुम अपना प्रे कर रही हो, है ना। और उसके बाद अकाने इसको सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो इधर से डायरेक्टली चली जाती है। अकाने के जाने के बाद ही चियोरी अपना काम कर लेती है, यानी वो भी प्रे करने के लिए आई थी। वाले इसके बाद हमें बताया जाता है उस गेम के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उन लोगों के लिए। गेम का नाम है मैरिज प्रैक्टिकल और इधर बेसिकली एक बंदे को एक बंदी के साथ एक साथ ही रहना पड़ता है। तुम लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो क्योंकि हमारे इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। वाले इसके बाद हमें बताया जाता है इस गेम का रूल, यानी इधर एक स्टूडेंट बंदे को एक बंदी के साथ रहना पड़ता है, यानी एक ही घर में रहना पड़ता है और इसके उनको पॉइंट दिया जाता है। इसी दौर में अगर वो लोग एक रिलेशन में आ सके तो बहुत अच्छा बात है, यानी उनका जो पॉइंट है वो इंक्रीज होता है, लेकिन अगर वो लोग कुछ भी ऐसा करते हैं जो उन दोनों का गैप है वो बढ़ जाए तो उसके बाद उनका पॉइंट माइनस भी होता है। तो इसके कारण ये गेम बहुत ज्यादा हार्ड भी था और बहुत ज्यादा इजी भी था। सोने के लिए सबको सेपरेट रूम दिया जाता है और इसके साथ ही इन सबको चेक ही करने के लिए इधर एक कैमरा होता है, यानी वही कैमरा उनको 24/7 चेक करेगा और उसके बाद वो पॉइंट देगा। और यही गेम था। वैसे गेम नहीं होता, ये एक एजुकेशनल पर्पस होता है और इसको उन लोगों के स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम कहा जाता है और उनके स्कूल में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हाँ, अगर ये हमारे स्कूल में भी होता तो मैं इसमें टॉपर होता। वैसे तुम लोग किस पोजीशन में आते हैं मुझे बता देना। वायरस के बारे में दिखाया जाता है एक बंदे को और इसका नेम होता है जीरो और ये भी हमारा एक मेन कैरेक्टर ही है। वो अपने गेम में होता है और उसके साथ उसका फ्रेंड भी होता है, यानी वो दोनों एक गेम के बातें कड़े होते हैं और वो दोनों अपने ही बीच बिजी होता है। इससे तुम लोग कह सकते हो हर स्कूल में ऐसे बंदे होते हैं जो कि अपने ही बीच बिजी होता है, यानी अपने ही बातों में वो लोग बिजी होता है। वो दोनों अपने गेम की बातें कड़े होते हैं और इसी बीच वो लोग देखते हैं उनके आगे कुछ शैडो आ जाता है। वेल, वो दोनों अपने गेम की बातें कड़े होते हैं और इसके बाद ही वो लोग नोटिस करते हैं उनके पीछे कोई आ गया था और इसके बाद ही वो लोग देखते ऊपर जहाँ पर उनके पीछे आ गई थी और उसके साथ कुछ लड़कियां, जहाँ पर वो लोग उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो लोग रास्ते में बैठे हुए थे। वेल, इसके बाद वो लोग साइड दे देते हैं और उसके बाद अकारी और उनके दोस्त एक साथ ही चले जाते हैं और उसको देखकर ही वो लोग बहुत ज्यादा मचा लेते हैं। यानी गाइस, इसको देखकर जीरो या फिर जो उसका दोस्त होता है और इसको देखकर ही जीरो और उसका दोस्त बहुत मचा लेता है क्योंकि अकारी बहुत ज्यादा अच्छी परफ्यूम लगा के आई थी। ऐसे ही अकारी क्लास में सबसे ज्यादा पॉपुलर थी तो उसके कारण ही वो लोग अकारी को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, लेकिन इसके बाद ही जीरो अकारी से गुस्सा भी होता है क्योंकि अकारी उन लोग को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है, यानी उनको अकारी एक इडियट की तरह ट्रीट करती है और ये अच्छा बात नहीं था। और इसके कारण जीरो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने ये बातें अपने दोस्त को बोल रहा होता है और उसके बाद ही वो लोग नोटिस करते हैं इधर आ गया था क्लास का सबसे ज्यादा पॉपुलर बॉय मिनामी। इसको देखकर ही अकारी और उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं और इसको देखकर ही जो जीरो का दोस्त होता है वो बहुत ज्यादा जेलस होता है। वो सोच रहा होता है मिनामी क्या वो इतना ज्यादा पॉपुलर है। वैसे हाँ, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था तो इसके कारण अकारी उसके पास आ जाते हैं और वो बातें करने लग जाती है। पर अकारी के पास कोई भी बातें नहीं था मिनामी के साथ करने के लिए, लेकिन वो ऐसी बातें करी होती है। और गाइस, तुम लोग इस सिचुएशन को भी अच्छी तरह से जानते होगे। वेल, इसके बारे में दिखा चले उन लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाता है तो उसके कारण वो लोग अपने क्लासरूम में आ जाते हैं। जीरो क्लास में आके बहुत ज्यादा बोर्ड होता है और वो ऐसे सो रहा होता है। वेल, इसके बाद वो जीरो को बुलाती है। वेल, इसके बाद जीरो भी चियोरी के साथ बातें करती है जहाँ पर चियोरी कहती है चियोरी को कुछ अलग से फीलिंग हो रहा है क्योंकि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है मैरिज प्रैक्टिकल और इससे पहले उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था तो इसके कारण वो लोग सोच रहे होते हैं इसके बाद क्या हो सकता है। वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है, वो सोच रही होती है उसके पार्टनर कौन होने वाला है। वेल, इसके बाद वो कहता है उसके पास ऐसे कोई फ्रेंड नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो इतना ज्यादा नर्वस नहीं है, यानी जो उसके साथ आएगी वो उसके साथ रह लेगा या फिर अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दे देगा। वेल, इसके बाद छियोरी कहती है वो होप करती है वो किसी ऐसे बंदे के साथ आ जाए जिसको वो पहले से ही जानती है, यानी पेयर्ड हो जाए। और इसको सुनकर ही जीरो को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि छियोरी और जीरो एक दूसरे को बहुत ज्यादा पहले से जान रहे थे, यानी वो लोग बहुत ज्यादा पुराने दोस्त थे। तो उसके कारण जीरो सोचता है हाँ, हो सकता है उसके लक में भी ऐसा आ ही जाए।
इसके बाद इधर टीचर अपना बातें कहने लग जाते हैं, यानी अपना जो सारा रोल होता है वो बता देते हैं उन लोगों को कैसे क्या क्या करना होगा। और इसके साथ ही टीचर इस टास्क का इम्पोर्टेंस भी बता देती है, यानी इससे उनको ग्रेड भी मिलने वाले हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वेल, इसके बारे में दिखाया जा रहा है जीरो को चाप पर, वो इन सब बातों को नहीं सुन रहा होता, वो सोच रहा होता है वो किसके साथ आने वाला है, उम्मीद कर रहा होता है वो अपना लव यानी चिरू के साथ आ जाए, क्योंकि ये उसका सपना है, चिरू को बहुत ज्यादा चाहता है। और क्लास में ऐसा एक ही बंदी है जो कि जीरो से इतना ज्यादा अच्छे तरीके से बातें करती है, तो उसकी कहानी सोच रहा होता है यानी वो होप करता है किसी वजह से वो दोनों एक साथ ही आ जाए। वेल, इसके बाद जीरो अपना गेम ऑन करता है और वो अपने लक चेक करने के लिए एक गेम को खेलता है और वो इस गेम में जीत भी जाता है, लेकिन जो उसका रिवॉर्ड होता है वो किसी और ही लड़की होती है, तो इसको देख रही उसे पता चल चुका था तब कुछ तो अलग होने वाला है। लेकिन इसके बाद वो फिर से अपने दिल को दिलासा देता है कि वो कहता है लेकिन जो भी हो अच्छा ही होगा, उसके साथ देता है जो भी होगा उसके साथ अच्छा ही होगा। वह इसके बारे में दिखा चले उन दोनों को एक ही रूम में, यानी जीरो आ चुका था अपने पार्टनर के साथ और उसका पार्टनर थी अकारी, और उसको देख रही जीरो बहुत ज्यादा सॉक्ड होता है, वो सोच रहा होता है वो इस रूम में कैसे आ सकता है या फिर उसका पार्टनर अकारी, ये तो बहुत अलग सा बात है। अकारी भी जीरो को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, वो कह रही होती है अकारी जीरो को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो जीरो को उठा लेती है और वो कह रही होती है तुम इधर कैसे आ सकते हो, ये कैसे हो सकता है। वेल, इसके ऊपर जीरो बहुत ज्यादा डर चुका था और वो कहता है हाँ मैं ये क्वेश्चन तुमसे भी करना चाहता हूँ, हम लोग एक साथ ही कैसे आ सकते हैं। अकारी के गुस्से के कारण जीरो कहता है ठीक है पहले मुझे तुम इधर से जाने दो, और इसके बाद अकारी कहती है लेकिन ये नहीं हो सकता, यानी हम लोग पेड हो चुके हैं लेकिन मैं नहीं जानती हूँ वो लोग हमें एक साथ ही कैसे ला सकते हैं, ये वो लोग कैसे कर सकते हैं। अली तरह अकारी बहुत ज्यादा गुस्से से ऐसे कह रही होती है और इसको देखकर जीरो बहुत ज्यादा डर चुका था। वह इसके और जीरो अपना बातें कहता है, यानी वो कहता है वो भी किसी और के साथ ही आना चाहता था, यानी पेड़ होना चाहता था। और उसके बाद ही अकारी इस बात को कह देती है, यानी वो जानती है जीरो किसके साथ पेड़ होना चाहता था, और वो कह देती है चिरू का नेम। चिरू का नेम सुनकर ही जीरो बहुत ज्यादा शर्मा चाहता है। वह इसके बाद इसको देखकर अकारी कहती है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्वियसली चिरू बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो तुम्हें टाइम नहीं देने वाली, वैसे भी वो अब किसी और के साथ ही पेयर्ड है, यानी वो लोग कुछ और ही कड़े होंगे। और उसके बाद ही के मन में बहुत सारे बुरे ख्यालाते आ जाते हैं, जहाँ पर जीरो सोचता है चिओरी किसी के साथ वो कड़े ही होंगे, और इसको सोचकर ही उसको अच्छा नहीं लगता, वो कहता है उसको अच्छा नहीं लग रहा। और उसके बाद ही वो खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो लोग देखते जो उनका पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी वो माइनस पे आ जाता है। और उसको देखकर अकारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अकारी आ चले जीरो के पास और वो जीरो को पकड़ लेती है और वो कहती है तुम मेरे साथ ही रहो। और उसके बाद ही जीरो कहता है हाँ वैसे तो ये बात ही है लेकिन जो एटीट्यूड है उसके कारण मैं इधर नहीं रह सकता, यानी तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। अकारी कहते नहीं तुम मेरे साथ ही रहो, हमें अपना पॉइंट इंक्रीज करना होगा। और उसके बाद वो जीरो को छोड़ देती है तो उसके कारण जीरो गिर जाता है। वह उसके बाद अकारी कहती है इसके लिए तुम एक बुक को पढ़ सकते हो, और उसके बाद अकारी जीरो को एक बुक दे देती है और उसके बाद जीरो उस बुक को पढ़ने लग जाता है। साथ ही अकारी कह रही होती है, अकारी कहती है वो ए रैंक पे आना चाहती है क्योंकि मीनामी वैसे भी ए रैंक पे आ ही जाएगा, मीना भी वही पॉपुलर लड़का था और उसकी कहानी अकारी भी उसके साथ ही आना चाहती थी। वेल, इसके बाद ही वो देखते हैं ए रैंक पे आने के लिए उनको क्या करना होगा, यानी उनको एक रिलेशन में आना होगा, और इसके बारे में सोचकर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वो कहता है ए रैंक पे आने के लिए हम लोगों को वो करना होगा। और इसके बाद दिखा चले अकारी को जहाँ पर वो ये सब भी करने के लिए तैयार थी, यानी वो ए रैंक पे सब करने के लिए रेडी थी, यानी वो ए रैंक पे आने के लिए कुछ भी कर सकती है। वेल, इसके बारे में दिखा चले जीरो को जहाँ पर वो इन सबको देख कर बहुत ज्यादा शर्मा गया था। वेल, इसके बाद वो लोग शांत हो जाते हैं और एक साथ ही आ जाते हैं, अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, यानी वो आ जाते जीरो के पास और उसके बाद वो जीरो को पकड़ लेते हैं, तो उसके कारण जो अकारी के वो दोनों होता है वो जीरो के हाथ में लग जाता है। और उसके चुने के बाद ही जीरो को कुछ और ऐसा फील होता है, वो कहता है ये क्या है, मतलब ये बहुत क्या है मुझे नहीं पता, ऐसे घबरा जाता है और वो थोड़ा दूर हो जाता है और वो कहता है नहीं क्या तुम मेरे साथ ऐसे रहने के लिए तैयार हो। और उसके बाद अकारी कहती है हाँ वो रेडी है, इस टास्क के अनुसार वो लोग वाइफ एंड हस्बैंड थे तो उसके कारण वो लोग ये सब कर सकते हैं। पर इसके बाद वो लोग देखते अपने पॉइंट को जो कि एक बढ़ चुका था, आ चुके थे -2 में और ये बहुत अच्छा बात था उन लोगों के लिए, और इसको देखकर अकारी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इससे जीरो का फुटके 4 हो गया था। वह इसके लिए जीरो अकारी को थोड़ा दूर कर देता है और वो कहता है ये उसके लिए फर्स्ट टाइम है, तो उसके कारण उसको बहुत ज्यादा अलग सा लग रहा है, इसलिए वो बाहर जा रहा है कुछ पीने के लिए। और इसके बारे अकारी कहती है अगर ऐसा बात है तो मेरे लिए भी एक स्ट्रॉबेरी मिल्क ले आना क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो उसके कारण मैं जो भी बोलूंगी तुम्हें वो करना ही होगा। वह इसके बाद जीरो कहता है अगर ऐसा बात है तो ठीक है, और इसके बाद वो चला जाता है। जाने के बाद अकारी थोड़ा उदास होकर बैठ जाती है और उसके साथ ही वो रो रही होती है और वो कहती है उसके लिए भी ये फर्स्ट टाइम ही है, अकारी भी इसको फर्स्ट टाइम ही कर रही है, तो उसके कारण उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, यानी अकारी ऐसी बंदी नहीं है जो वो ऐसे ये सब कर सकती है। वह इसके बारे में दिखा चले जीरो को, जीरो अपना ड्रिंक ले लेता है और उसके बारे वो साउंड सुन रहे चिड़ी का, और उसके बारे वो देखता है चिड़ी के साथ एक बंदा होता है, तो उसके कारण वो चुप जाता है और वो देखते हैं ये बंदा कौन होता है, और ये होता है मीनामी।
को देखकर चिरो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है क्योंकि मीनामी के साथ चियोरी बहुत ज्यादा हैप्पी थी। वह इसके बारे में दिखाया जाता है घर के अंदर वाला सीन जहाँ पर चिरो आ जाता है ड्रिंक लेके और उसके बाद वो ऐसे बैठ जाता है जहाँ पर जो उसका दिल था वो टूट गया था। चिरो बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है। वेल इसके बाद उसके पास आ जाती है अकारी और उसके बाद अकारी जीरो को चिढ़ाने लग जाती है ताकि जीरो थोड़ा अच्छा फील करे। लेकिन इसके बाद जीरो कहता है नहीं, उसको बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है, यानी वो टूट चुका है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, तो उसकी गाड़ी उसको अकेला रहने दो। ऐसे ही जीरो रो रहा होता है। वेल इसके बाद अकारी उसके पास आ जाती है और वो कहती है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा उदास मत हो और उसके बारे इसमें इतना सारा उदास मत हो और उसके बारे जीरो देखते हैं अकारी उसके बहुत सारे पास थे तो उसके कारण वो दूर हो जाता है। वो कहते हैं मैं इतना सारा मजाक मत करो और उसके बारे अकारी कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारा मजाक तुम्हें सता रही हूँ, ऐसा बात ही नहीं है, मैं तुम्हें बस हेल्प कर रही हूँ और वैसे भी हमें एक ग्रेड में आना है तो उसके कारण हमें ये सब करना ही होगा और उसके कारण मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तुम्हें ये टेस्ट हारना है। और उसके बाद हमें दिखा जाए जीरो को जहाँ पर वो अपने बातें सोचने लग जाता है। वो कहता है नहीं, वो नहीं होना चाहता। वाले इसके बारे अकारी उसके बहुत ज्यादा पास आ जाती है तो इसलिए मैं चाहते हो हम लोग एक साथ ही बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रहेंगे और उसमें तुम मेरा हेल्प करो। वाले इसके बारे वो कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, यानी उसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके कारण वो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। सुनकर अकारी को आ चले गुस्सा और इसके बारे में कहते हैं तो क्या तुम यही चाहते हो, यानी तुम हमें इसको सुनकर अकारी को आ चले गुस्सा और इसके बारे अकारी कहते हैं तो चिरो क्या तुम हमेशा ऐसे रहना चाहते हो, यानी सिंगल ही या फिर वर्जिनी रहना चाहते हो। इसके बाद जीरो थोड़ा शांत हो जाता है और इसी बीच घर में कोई आ गया था यानी कॉलिंग बेल बज जाता है तो उसके कारण जीरो देखने के लिए चला जाता है ये कौन है। और इसके बारे जीरो देखता है उसका दोस्त उसको लेने के लिए आ गया था तो उसके कारण जीरो भी रेडी हो गया था से जाने के लिए। वाले इसके बाद चिरो भी चला जाता ही है लेकिन इधर अकारी कहते हैं तो क्या चिरो तुम सच में जाने वाले हो, और उसके लोग कहता है हाँ वो जाने वाला है क्योंकि टाइम भी हो गया और वैसे भी उसका दोस्त उसको लेने के लिए आ चुका है। अकारी कहते हैं लेकिन इसमें पॉइंट्स भी माइनस होंगे और इसके बाद जिरो कहता है हाँ जो होगा देखा जाएगा और इसके बाद वो जाने लग जाता है। वाले इसके बाद अकारी कहती है तो ठीक है जाते जाते मुझे गुड बाय किस कर दो, पहले इस बात को इतना सारा इंटरेस्ट नहीं देता है लेकिन इसके बाद वो जान लेता है अकारी क्या कह रही है। वह इसके बाद ही कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता और बाहर से जो उसका दोस्त होता है वो अब भी कह रहा होता है चिरो जल्दी आ जाओ, यानी क्या तुम बाहर आ सकते हो, लेकिन अब भी चिरो कुछ भी नहीं कर रहा होता जहाँ पर अकारी कह रही होती है नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते, पहले तुम्हें मुझे किस देना होगा यानी गुड बाय किस देना होगा और उसके बाद ही तुम जा सकते हो। और इसके बाद सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है जहाँ पर जो उसका दोस्त होता है बाहर से वो अब भी बहुत जल्दी पैर दबा रहा होता है और वो कह रहा होता है चिरो तुम जल्दी बाहर आ जाओ क्या तुम मर चुके हो, और ऐसे वो कह रहा होता है लेकिन अब भी यही सोच रहा होता है वो कैसे जा सकता है। और इसके बारे में दिखा चले अकारी बोल रही होती है जो उसका फ्रेंड है वो भी कह रहा होता है तो उसके कारण चिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो बिजी भी था तो उसके कारण वो अकारी के पास आकर अकारी को किस कर देता है, किस लेके वो चला जाता है। और इसके बाद हमें दिखा चले अकारी को जहाँ पर वो किस पाकर स्टॉप सा हो गई थी यानी वो गिर जाते हैं, साथ वो सोच रही होती है ये क्या था। हमें दिखा चले जीरो को जहाँ पर वो सोच रहा होता है वो एक स्टूपिड है यानी उसने अभी अभी ये क्या कर दिया। उसके बाद जीरो फिर से लौट आता है और उसके बाद बहुत सारी बातें होता है। वह इसके बाद हमें दिखा चले वन वीक बाद का सीन, वो ऐसे अपना काम कर रहा होता है और उसके बाद वो बाहर देखते हैं जहाँ पर बाहर छियोरी होती है लेकिन उसके साथ मीनामी भी होता है और वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे होते हैं और वो दोनों ऐसी बातें करते हुए आ रही थी और उसको जीरो देख रहा था और उसे भी चीजें टीचर आ जाती है और उसके बारे में वो कहती है तो क्या तुम अपना काम कर रहे हो, और उसके बारे जीरो कहते हैं हाँ वो कर रहा है। और उसके बारे जीरो फिर से देखते हैं उन दोनों को जहाँ पर थोड़ी मीनामी के बहुत ज्यादा पास आ चुका था या फिर आ चुकी थी। इसको देखकर जीरो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है यानी उसके इतना सारा ओल्ड फ्रेंड एक ही पल में खो दिया तो उसके कारण वो फिर से टूट जाता है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है, वो अपनी चिरो के बारे में सोच रहा होता है। वह इसके बारे में दिखा चले स्कूल के एंड में जहाँ पर वो लोग एक जगह में आ गए थे लेकिन बाहर बारिश दे रहा था और जीरो के पास चाहता नहीं होता तो उसके कारण वो रुक जाता है और जो उसका दोस्त होता है वो भी अम्ब्रेला शेयर करने के बारे में कहता है लेकिन जीरो को ये नहीं चाहिए था, वो कहता है वो इधर वेट करने वाला है। वह इसके बाद वो दोनों ऐसे बातें करते हैं, बातों के बीच में इधर आ जाती है अकारी और उसके बाद अकारी बहुत जल्द तो पहन लेती है और उसके बाद वो अपना चादर लेके बाहर जा रही होती है जहाँ पर वो कहती है आज करियोके में मीनामी आने वाला है इसलिए अकारी उधर ही जाने वाली है और अकारी उधर ही जाने वाली है। वह इसके बारे जीरो कहते हैं वैसे अकारी एक बात था, हमें टीचर ने बुलाया है एक फैकल्टी मीटिंग के लिए इसलिए, और इसके बारे अकारी कहती है अगर टीचर ने बुलाया है तो हमें जाना ही होगा यानी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और इसके बाद वो इधर से चली जाती है को एक आंख मारकर जहाँ पर इसको देखकर जो जीरो का दोस्त होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है यानी जेलस होता है, वो कह रहा होता है पहले तो तुम्हारे साथ एक बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेंड है जो कि तुम पहले से ही जानते हो यानी छोटे से ही जानते हो जो कि एक फूल की तरह है और तुम्हारे दूसरे हाथ में एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है
और बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी तुम्हारा जो लक है वो बहुत अच्छा है। किसी हारम किंग की तरह हो, किसी हारम किंग की तरह हो। और वो ऐसे कह रहा होता है जहाँ पर इन सब बातों को सुनकर कहते हैं बकवास करना बंद करो। और इसके बाद जो उसका दोस्त होता है वो कहता है मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, यानी जो तुम्हारा लक है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद जीरो आ जाता है, बारे में दिखा जा रहा है जीरो आ चुका था अपने टीचर के पास। और उसके बाद जो उसकी टीचर होती है वो कह रही होती है जीरो जो तुम्हारा रिकॉर्ड है वो बहुत बुरा है, इस कपल वाले टेस्ट में तुम्हारा ग्रेड बहुत कम है, तो उसके कारण तुम्हें इसको इम्प्रूव करना होगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए, और इसके अलावा ये नहीं हो सकता, ये नेसेसरी है, तो इसके कारण तुम इसके ऊपर कुछ करो। इसके बाद जीरो फिर से आंच आता है अपने जगह, इसके बाद जीरो आंच आता है फिर से अपने जगह में, और वो कह रहा होता है ये बहुत बुरा दिन है। वैसे भी जो उसका वाइफ है यानी अकारी वो उसके साथ तो रहती है, लेकिन वो मजे कर रही है किसी और एक बंदे के साथ, यानी उसके लव इंटरेस्ट के साथ, इसलिए वो अकारी के बारे में सोच भी नहीं सकता, यानी अकारी किसी और को चाहती है। एक तरफ से कहा जाए तो जीरो अकेला हो चुका था, पर इसके बारे में जीरो ऐसे सोच रहा होता है और इसी बीच वो एक साउंड को सुनता है, इधर आ चुकी थी उसका लव इंटरेस्ट यानी कोरी, और उसको देखकर ही जीरो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, लेकिन वो साथ ही बहुत ज्यादा सरप्राइज भी होता है। और वो कहता है वैसे चियोरी तुम क्या कर रही हो, कहते हैं उसका एक कॉमेडी मीटिंग था तो उसके कारण उसको देर हो गया। वह इसके बाद वो दोनों बैच आते हैं, एक साथ ही बातें करते हैं और इन्हीं बातों के बीच में चियोरी जीरो के बहुत ज्यादा पास आ चुकी थी, और उसको देखकर जीरो सोचता है तो क्या चियोरी उसके साथ भी कुछ करना चाहती है, चियोरी का इंटेंशन क्या है। इसके लिए चियोरी थोड़ा दूर आ जाती है और इसके बारे में दिखा देती है, उसके बाद चियोरी दिखा देती है वॉल में एक बक्का उसने ड्रॉइंग किया था, और उसको देखकर चियोरी बहुत ज्यादा डर चुकी थी, तो उसके कारण उसने ऐसा किया था, यानी चियोरी को बड़े बड़े बक से बहुत ज्यादा डर लगता है। पर इसके बाद इसको सुनकर जीरो को भी एक बात याद आ जाता है, यानी आज उसने जो देखा था मीनामी के बहुत ज्यादा पास आ चुकी थी क्योंकि चियोरी के पास एक बक था, और उसको देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, और उसके कारण वो सब हुआ था। और उसको जानकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, यानी उसने जो सोचा था वैसा बात नहीं था। उसके बाद वो दोनों ऐसी बातें खड़े होते हैं, और इसी बीच इधर आ चले मीनामी, मीनामी कहता है बाहर चियोरी का अम्ब्रेला देखा था तो उसके कारण वो इधर आ गया, लेकिन और उसके बाद वो देखता है जीरो को, और उसके बाद जीरो कहता है नहीं वो इधर ऐसे ही है, तुम इधर से जा चियोरी, तुम मीनामी के साथ जा सकते हो, मैं इधर ही थोड़ा टाइम रहने वाला हूँ। और उसके बाद भी थोड़ा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अब चियोरी को जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोग हस्बैंड वाइफ थे, यानी वो लोग रिलेशनशिप में थे, और जीरो ने ऐसा कहा है तो अब चियोरी को जाना ही पड़ेगा, तो उसके कारण वो चली जाती है। वह इसके बारे में दिखा जाए जीरो को जहाँ पर हाँ वो अकेला हो चुका था, कह रहा होता है उसका लाइफ जंद है, यानी वो कुछ भी नहीं कर सकता, लक बहुत ज्यादा खराब है। साथ ही में दिखा जाए बाहर वाला सीन में जहाँ पर पहले से इधर आ गई थी, और उसके साथ वो सोच रही होती है वो क्या कर सकती है। इसके बाद वो आ चले जीरो के पास, और उसके बाद वो कहती है तो चलो हम लोग अम्ब्रेला शेयर करते हैं। इसके बाद वो दोनों अम्ब्रेला शेयर करके आ रहे होते हैं जहाँ पर अकारी कह रही होती है, और अकारी कह रही होती है मुझे क्यों मजा नहीं आ रहा तुम्हारे साथ अम्ब्रेला शेयर करके। इधर जीरो बहुत ज्यादा अपसेट होता है, और उसके साथ ही अकारी अपने बातें कह रही होती है, लेकिन जीरो ऐसे सॉरी सॉरी कहता आ रहा था, जीरो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। वह इसके बाद अकारी उसके आगे आ जाती है, और वो कहती है वह तुम्हें हौसला नहीं छोड़ना है, ये तुम्हारे लिए भी है और मेरे लिए भी है, कहता है हाँ तुमने सही कहा। वह इसके बाद वो दोनों ऐसे बात करते हुए जा रहे होते हैं जहाँ पर वो अपने ही बीच कह रहा होता है वो एक लूजर है। पर इसके बाद वो दोनों ऐसे बात करते हुए आ रहे थे, और इसके बाद अकारी कहती है वैसे उसको बहुत ज्यादा भूख लगा है, कहता है तो ठीक है हम जीरो कहता है तो ठीक है हम लोग चलते हैं कॉन्वेंट स्टोर में जहाँ पर हम लोग डिनर कर लेंगे। और उसके बाद अकारी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी सब कुछ फाइन है। और उसके बाद हमें दिखा जा रहा है जहाँ पर अकारी और जीरो एक साथ आ चुके थे, और अकारी ने जीरो के लिए बनाए थे ऑमलेट राइस, को देखकर जीरो को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यानी जीरो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है क्योंकि अकारी ने उसके लिए एक बहुत अच्छा डिलीशियस डिश बना दिया था। उसके बाद जीरो उसके ऊपर केचप डालने वाला होता है, लेकिन अकारी कहते नहीं इसके ऊपर ऐसे डाला जाता है, और वो ही डाल देती है, और ये भी प्यार से था। वेल इसके बाद जीरो इस खाने को खाता है, यानी टेस्ट करता है, और इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके बाद अकारी भी अपना खाना खाने वाले होते हैं, लेकिन इसके बाद जीरो कहता है नहीं ये मैं तुम्हें खिलाऊंगा, और इसके बाद वो ऐसे अपने स्पून को आगे कर देता है, और इसको देखकर अकारी कहती है नहीं वो ऐसा नहीं करने वाली, अब नहीं कर सकती है। वेल इसके बाद जीरो कहता है ठीक है अगर ऐसे ही बात है, लेकिन इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। और इसके बाद वो स्पून अपने पास से ले आ रहा होता है, लेकिन इसी बीच अकारी तो के ऊपर आ जाती है, और जो जीरो का खाना होता है उसको खा देती है, और ये उसको भी पसंद आता है। और उसके बाद अकारी कहती है मुझे नहीं लगा था मैंने तुम्हारे लिए इतना ज्यादा अच्छा खाना बनाया है। और इधर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक प्यार सा अट्रैक्शन आ जाता है, और इसके बाद वो दोनों ऐसे किस करने ही लग जाते हैं, यानी गाइस ये रियल किस होता है, यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं, यानी किस होने वाला होता है। लेकिन इसी बीच जीरो का फोन होता है वो बच जाता है, तो उसके कारण उनका जो एक किस था वो नहीं हो पाता, जीरो चला जाता है बाहर, और उसके बाद ये फोन आया था उसके दोस्त ने, इसलिए जीरो कह रहा होता है मेरे दोस्त ने मुझे आज बचा लिया, यानी उन लोगों के बीच में एक किस होने वाला था। इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है, तो उम्मीद करो कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, एपिसोड बहुत अच्छा था, यानी गाइस बहुत ज्यादा अच्छा था। तो यार तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो तुम लोगों को कैसा लगा।
मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पीस।